देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। केंद्र की अड़ी ते अहंकार नाल जूझदे जांबाज पंजाबी अज केंद्र सरकार साडे उत्ते इह तीन काले किसान कानून 2020 दा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ते पराली फूकन ते सजा वाला इह ऑर्डिनेंस लै के किसानां ते आर्थिक हमला कर रही है। उस दे नाल नाल माल गड्डियां रोक के इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा पंजाब नू आर्थिक ब्लैकमेल कर रही है। इंडस्ट्री का कोला ते स्टील की सप्लाई रोक, किसान की यूरीए की सप्लाई रोक रही है। इस नाल ये ते साफ है कि केंद्र की सारी गेम आर्थिक है, वित्तीय है। केंद्र का साढ़े ते वार आर्थिक है। राजनीतिक तौर पर वो साढ़े तो वोट मंगण आ रहे ने मेरे यारो, ते जे वो टेढ़े हथकंडे अपना रहे ने फिर की पंजाब दे किसान वास्ते साढ़े कोई होर आर्थिक विकल्प नहीं होना चाहिए। ये वड्डा सवाल है। किसान जो रोज़ धरना दे रहा वो अपनी आमदन की अपनी आर्थिक होंद की लड़ाई लड़ रहा। भाई जी मैनू यकीन है कि किसानों का दिल्ली मोर्चा जरूर कामयाब होगा। किसानों का अंथक संघर्ष किसानी अंदोलन नू दुनिया के हर कोने विच ले गया है ते इस संघर्ष का मुल पैना ही पैना है यार। किसानों के संघर्ष के नाल नाल उसनू होर मजबूत करने वास्ते पंजाब दी असेंबली दे पास किए हुए सोध बिल, पंजाब एमएलएयां दा दिल्ली च धरना, पंजाब दी म्यूजिक इंडस्ट्री वक्-वक् सिंगरां दी सपोर्ट, ये सिर्फ इस लड़ाई दा एक पहलू है। अज आपां एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं पर किसान दा नुकसान ते सारा आर्थिक नुकसान है यारो। ये राजनीतिक लड़ाई बहुत जरूरी है पर सानू लोड़ है आर्थिक वित्ती विकल्प दी। अज पंजाब नू इकली वक्री राजनीति दी लोड़ नहीं, इकले केंद्र दे कानूनां दा विरोध करन दी लोड़ नहीं, बल्कि पंजाब नू अज एक वक्रे आर्थिक ढांचे दी लोड़ है, एक वित्ती ढांचे दी लोड़ है। वी डोंट ओनली नीड ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स बट वी नीड ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स। क्योंकि सच यह भी है कि जे कोई भी राजनीतिक लड़ाई एक आर्थिक विकल्प ना खड़ा कर सके तो फिर अज नहीं तो कल उन्हें हारना ही है। मैं कहना कि किसान अपनियां पंजे मंगां ते अड़े रहन ते उसनू मनवा भी लैन पर नाल नाल अपने आप नू तगड़िया तो करो, मजबूत तो करो। जे साडियां मंगां अज मनियां भी गईयां, जे केंद्र ने काले कानून वापस लै भी ले कि पंजाबी दी किसानी दा सारा मसला हल हो जू वीरो? कि दशकों तो कर्जे थल्ले डुबी किसानी, आत्महत्या कर रहे किसान, जमीन वेच के अमरीका कनेडा यूके ऑस्ट्रेलिया यूरोप पलायन करदा नौजवान जो अज लेबर करन ते मजबूर है, कि अकले काले कानून वापस होना उसकी सारी मुश्किल हल हो जू? वड्डा सवाल है। सानू आत्म चिंतन की लोड़ है यथार्थ के तरातल दे उत्ते खड़ा होके। यह पंजाब जिथे 5000 साल तो खेती हो रही है, गुरु नानक पातशाह ने जिथे खेती की है और साढ़े लड़ लाई है, इत्थे किसानी मर नहीं सकती जे आपां इसनू खुद ना मारीए। वी आर नैवर डिफीटिड, वी डिफीट आवर सैल्वस। पंजाब का किसान बाहर जाके छोटा मोटा उद्योग चला, मेहनत करता, वो मुल पाँदा, फिर वो इस पवित्र धरती जिथे वो आत्मा वसदी है, शरीर भावें बहर हो लेकिन रूह इतने है, उन्होंने छड़ के क्यों जाता है? यदा विचार करो। मैं हथ इंज रखण का सख्त विरोधी तो सिर्फ केंद्र तो मंगण के भी खिलाफ हाँ। जे पंजाब जिता है
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਭੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਸਮਰਿੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਊ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਾਕਤ, ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ USP, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਵੇਚਣ ਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੀਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਲੀਕੀਏ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅੰਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬਿਗ ਐਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ 60 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਆਲੂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 110 ਰੁਪਈਏ ਪਰਸੋਂ ਵਿਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ 85-90 ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 90 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 50 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 4 ਬੰਦੇ 4 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਲੋ ਵਾਲੇ 1% ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅੰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 50-100 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, FCI ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਮਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਈਏ। ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ, ਓਇਲ ਸੀਡ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
कोऑपरेटिव बना, एक कानूनी इकाई बना, बीजन ते वेचन दा मुनाफा किसान नू देन दी गल करदा हां, ते मैं एक नवे आर्थिक ढांचे दी गल करदा हां, पंजाब दे किसान दी आमदन वधाउण दी ते उहदी खुद मुख्तियारी दी राह दी गल करदा हां कि पंजाब विच डाइवर्सिफिकेशन कर, पक्की MSP ते सरकारी खरीद दे नाल हर पंज पिंडां विच कोल्ड स्टोरेज बना, आपां पंजाब दे किसान नू बचा नहीं सकदे कि इस वध रही अन्न की महंगाई का फायदा किसान नू नहीं दे सकते। तो यह सब कुछ पंजाब सरकार आप कानून बना, आप पॉलिसी बना के कर सकती है, उसनू हर चीज़ लई केंद्र की मंजूरी की कोई लोड़ नहीं। अज भारत अपनी खपत वास्ते 70% एडिबल ऑयल कहण का भाव जिहड़े तेल आपां खाने च पाउने, वह एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान मलेशिया अर्जेंटीना इंडोनेशिया ते यूक्रेन तो। इस तेल की कीमत हर महीने बढ़ रही, पिछले महीनों में रिफाइंड तेल की कैनी 1300 तो बढ़ के 1700 हो गई, पर पंजाब जो ऑयल सीड लगा सकता है उसनू सरकार इस राह ते चलन वास्ते मदद क्यों नहीं करती। असल मसला पराली फूकन का नहीं पर पराली का, असल विच एक गैर पेशेवर अनप्रोफेशनल तरीके नाल झोना लाउण दा। की करजाई किसान पराली फूकन ते मजबूर क्यों होवे? तुसी उहनू कमाऊ उपराले दिओ, तुसी ते, और मैं सवाल कर रहा, तुसी ते अजे तक उहनू अपने वायदे अनुसार पराली की सबसिडी तक नहीं दित्ती, तुसी उहनू आमदन वधाउण वाले हल दिओ भरावो। पंजाब 25 सालां तों केंद्र दे अगे मजबूर होई जांदा, अज उहनां दे MSP सरकारी खरीद बंद होण दा डर है, ते की साडी राजनीति सिर्फ मंगण दी रह गई? समस्त उन्नति दा आधार ते सार खुदमुख्तियारी है कि यह वक्त खुदमुख्तियारी दी राह ते चलण दा नहीं? मैं सवाल करदा कि यह वक्त नहीं कि पंजाब दी खेती वास्ते एक वक्रे आर्थिक ढांचे नूं लिआंदा जावे, इंट्रोड्यूस कीता जावे? 3 करोड़ दी आबादी वाला पंजाब जो खांदा है पहला वो इत्थे उगावे। मैं पिछले बार भी ये नारा बुलंद किया सी कि देसी लाओ ते देसी खाओ, कितना कुख आपां PDS दे नाल नाल किसान दी आमदन वधाऊ होर फसलां उगाइए कि आपां इस उपजाऊ धरती का लाहा लै सकीए जिन्हों अज बर्बादी की कगार ते खड़िया किया। मैं पंजाब की खुदमुख्तियारी की राह वास्ते पानी बचाओ ऑरगैनिक आमदन वधाऊ मॉडल पहला ही दे चुके, लोड़ है कि पंजाब उस राह ते चले। ये गल्लां नाल ते कल्ली पॉलिसी बनाउण नाल नहीं होना यारो, इस राह ते सानू सब नूं कट्ठियां हो के तुरना पैना है। ते मैनूं पूरा यकीन है कि मैं होवां या ना होवां पंजाब दे लोग इन्हां हल्लां नूं ताकत विच लैके आउणगे, इंप्लीमेंट करनगे। सही की है सारे जानते हैं, अमली जामा पाना। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।